हाँ जी ठीक है, आज हमारे सामने दो टॉपिक हैं। आज 9th क्लास की बुक फिनिश हो जाएगी और हमारे सामने टॉपिक है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड राइट्स, जिसमें आप फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का जिक्र करेंगे। देखिए पॉलिटी की बुक्स अब जैसे जैसे आप प्रोसीड करेंगे काफी मैटर फेमिलियर होगा आपका, पहले का आपको वो आता होगा, और जो नया मैटर है उसमें अब आपको हर क्लास के बढ़ने के साथ साथ कुछ कुछ नए पॉइंट्स ही मिलेंगे और पुराना मैटर आपका साथ के साथ चलेगा। इससे आपका अभ्यास होगा, आपके पुराने चैप्टर्स की रिवीजन होगी, और वो जो कुछ कुछ पॉइंट्स अब ऐड होंगे वो हायर क्लासेस के पॉइंट्स हैं, वो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो सवाल आपके सामने आए तो शायद आप नर्वस भी हो सकते हैं। उन पॉइंट्स पे मेरा आज का ज्यादा फोकस रहेगा, और क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती है एज अ टीचर, जो मैटर हो चुका है अगर इस नए चैप्टर में नए वे में है वो भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, नरेट करना है एटलीस्ट एक बार, एक्सप्लेन अगर हो भी चुका है तो। सिस्टम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। देखिए आपने ये देखा कि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स आपने जब बुक में स्टडी किए तो आपने देखा कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए एक कंप्लीट प्रोसेस अपनाना पड़ता है, जिस प्रोसेस में इलेक्शंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था उस प्रोसेस का। सेकेंड एस्पेक्ट आपने ये देखा कि किस तरह से उन इलेक्शंस के थ्रू चुने हुए लोग आपके देश के लिए नीतियां बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। तो आपने देखा कि एक लेवल पर पॉलिसी मेकर भी हैं, और अल्टीमेटली जो पॉलिसीज बन जाती हैं उन पॉलिसीज को एक लेवल पर एग्जीक्यूट करने के लिए एक बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और ऐसी कोई भी पॉलिसी या ऐसी कोई भी एग्जीक्यूशन किसी भी लेवल पे वैलिड नहीं है अगर उसके पीछे पावर ना हो लॉ के, फोर्स ना हो लॉ का। तो उसे एनफोर्स करने वाली भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने देखा जज हैं, जुडिशरीज हैं हमारी कंट्री में, इनको बेसिकली इंस्टीट्यूट्स कहा गया है और दे आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स। ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की फॉर्म्स और उनकी वर्किंग का एक्सप्लेन किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही सेंक्टिटी है पावर की। आपको जो पावर का सोर्स मिलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलता है, और पावर को एग्जीक्यूट करने का काम आप इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करते हैं, और वो इंस्टीट्यूशन किस फैशन में काम करेंगी, किस लिमिट तक उन्हें जाना है, कहाँ जाके रुक जाना है, उनकी ये सीमाएं, उनकी ताकतें, पावर्स, उनकी लिमिट्स और उनकी अथॉरिटी, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होनी जरूरी है। अदरवाइज दो से तीन चीजें हो सकती हैं। पहला, हो सकता है वो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर अपनी लिमिट्स एक्सीड कर जाएं तो उनका नेचर चेंज हो जाए, यानी कि वो डेमोक्रेटिक ना रह करके ऑटोक्रेटिक हो सकती हैं। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि हो सकता है जहां पर इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट कर रही हैं तो उन इंस्टीट्यूशंस में आपसी कन्फ्रंटेशन हो जाए और एक डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कौन किसका एरिया है ये उन्हें क्लियर ही ना हो, कि जुडिशरी कहां तक इंटरवीन कर सकती है, लेजिस्लेचर की पावर्स कहां तक हैं, एग्जीक्यूटिव कितनी का इंडिपेंडेंट है। तो फिर आपस में ये डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये भिड़ सकती हैं, इससे भी डेमोक्रेसी को हार्म होगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का काम है डेमोक्रेसी को ग्रो कराना। अगर आपको आपके ज्यूरिस्डिक्शंस और एरियाज बताए जाएंगे तभी आप एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण कर पाएंगे, यानी कि अगर आपको ग्रोथ भी करनी है, प्रोग्रेस भी करना है, तो आपके सामने पाथ होना चाहिए कि किस पाथ में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब बहुत प्रोग्रेसिव है हमारी जुडिशरी और वो बहुत अच्छा सोचती है देश के लिए, लेकिन वो लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है और वो एक दूसरे ऑर्गन से उसके राइट्स नहीं छीन सकती कि हर मामले में हस्तक्षेप करके आपको लगता है, ऐसा लगने लगा है कि आप ही बहुत अच्छे कानून देश के लिए बनाते हैं और आप नए नए ऑर्डर्स इशू करके लॉ बनाने लगे हैं। तो ये एक तरह से एनक्रोच हो जाएगा ज्यूरिसडिक्शन किसका, पार्लियामेंट का, आप ये भी नहीं कर सकते। तो किस वे में किसको प्रोग्रेस की तरफ लीड करना है वह पाथ भी बताने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, किसकी क्या लिमिट्स है ये बताने का काम करता है, किसका क्या ज्यूरिसडिक्शन है ताकि वो आपस में मिलके काम कर सकें, ये बताने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी होता है। अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि आपको डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हुए एक कंट्री को बेटरमेंट के पाथ की तरफ लेकर के जाना है। ऐसे में जब आप बेटरमेंट करते हैं तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए भी आप एक समाज को आगे नहीं ले जा सकते जब तक आपने उसमें इक्वेलिटी और इक्वेलिटी के बाद इक्विटी का कंसेप्ट फॉलो नहीं किया है। बहुत सारे समाज के ऐसे वर्ग हैं जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन वो समाज में आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर और सामाजिक तौर पर, सोशली काफी डिप्राइव थे, काफी पिछड़े हुए थे।
उन सभी को आप एक यूनिफॉर्म सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करके एक यूनिफॉर्म अपरेटस में यूनिफॉर्म अपॉर्चुनिटीज अचीव करने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। आपको कुछ वर्ग ऐसा है जो बहुत बहुत पिछड़ा, उसे आगे भी लेकर के आना है। तो ऐसे में हर कॉन्स्टिट्यूशन का काम है प्रोग्रेस और प्रमोट करना किसी भी चीज को। अल्टीमेट एस्पेक्ट है इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन अगर ना हो तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी संस्थाएं बनानी पड़ेंगी जो इस चीज की देखरेख करें कि किस तरह से देश की गवर्नमेंट और ऑपरेटर्स काम कर रहा है। वो जो अरेंजमेंट्स आप करते हैं उन अरेंजमेंट्स को हम इंस्टीट्यूशंस का नाम देते हैं। आपके सामने सरकारें हैं, आप अक्सर जिक्र सुनते हैं गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट आपके लिए रेवेन्यू कलेक्ट करे, यानी कि डिफरेंट एरिया से रेवेन्यू आता है, टैक्स आते हैं, नॉन टैक्स आता है, फीस होती है, फाइन होते हैं, बहुत सारे जरिए हैं जहां से गवर्नमेंट इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स भी कमाती है, गवर्नमेंट को डिविडेंड्स भी आते हैं। ये सारी सरकार की कमाइयां होती हैं। इन आमदनियों के बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार ये सारा पैसा जन कल्याणकारी कामों में जनता की भलाई के लिए लगाए। एक काम ये होता है, इसके लिए सरकार अलग अलग नीतियां बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, कई तरह के रोड मैप डिसाइड किए जाते हैं कि प्रोग्रेस इस फील्ड में की जाएगी। सेकेंड आस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को एक सेफ और सिक्योर लाइफ प्रोवाइड करे। इसके लिए गवर्नमेंट कई तरह के डिफेंस नेटवर्क को इंस्टॉल करती है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। इसके लिए गवर्नमेंट पुलिस को भर्ती करती है, डिफेंस मेंटेन करती है, नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है। इसके बाद ये भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इस बात की सुरक्षा प्रदान करें कि उनके जीवन में जो रोजमर्रा से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें हैं उसको बहुत ही सुचारू ढंग से रेगुलेट किया जाएगा, यानी कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको एजुकेशन लेनी है, उसके लिए आपके मार्कशीट्स हैं, आपकी डिग्रीज हैं, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पानी का कनेक्शन है, सो मेनी थिंग्स। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने द्वारा खर्चे पैसों के दम पर जो जीवन जी रहे हैं उसमें भी सरकार के द्वारा की गई चीजें ऑर्गेनाइज्ड जो है उसका रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप पैसा खर्च के भी बहुत सी चीजें अपने लेवल पे मैनेज नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीजों को मैनेज करने का काम कहीं ना कहीं किसी एंड पे गवर्नमेंट कर रही है। आप पैसा खर्च के बिजली ही ले सकते हैं, लेकिन पैसा खर्चने के बाद भी आप बिजली पैदा नहीं कर सकते, अपनी जनरेटर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप बिल भरते हैं लेकिन बिजली पैदा करने का काम सरकार कर रही है, और सरकार इसी को करवाने के लिए कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को भी ठेका देती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखती है कि एक सामाजिक बुनियादी चीज है बिजली, और ये सबको समूचे ढंग से मिले, सही दरों पे मिले, सही तरीके से मिले। ऐसे बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम, इकोनॉमिक अपग्रेडेशन के काम, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के काम और डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं जो गवर्नमेंट डेली बेसिस पे करती है। इसके लिए गवर्नमेंट के पास एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेटर्स होता है। उस ऑपरेटर्स में एक हायरार्की होती है कि कौन कौन सा काम करेगा, किस ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। सोचिए एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिस सिस्टम में आप इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लोग हैं, जाति प्रथा है, जिसमें धर्म के नाम पर कई तरह के भेद हैं, कई तरह की भाषाएं हैं, कई तरह का इकोनॉमिक ऑपरेटर्स है, कोई शहरी है, कोई ग्रामीण है। ऐसे समय में जब आप इन सभी को एक यूनिफॉर्म वे में आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं तो जो मैनेजमेंट का नेचर होगा काफी कॉम्प्लेक्स होगा। तो आपका जो ऑपरेटर्स आपने इन्हें मैनेज करने के लिए बनाया है वो काफी हायरार्किकल होगा, हायर ऑफिसर से लेकर के ग्रास रूट लेवल तक के ऑफिसर्स में। और ऐसे में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय नहीं की जाएंगी तो फिर किसने क्या गलती की है ये कभी प्लग इन नहीं हो पाएगा। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करनी जरूरी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तय करना, इसके लिए हमें ड्यूटीज डिफाइन करनी होगी, क्योंकि जिसकी जो ड्यूटीज होंगी वो तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा ना, इसके आगे तो नहीं जाएगा वो। अब बड़े ऑफिसर के अंदर आने वाला कोई काम था, उसकी गलती हुई तो वो तो छोटे का नाम लगा देगा। तो इसमें ड्यूटीज अगर डिफाइन होगी तो छोटा ये कहेगा तो मेरी ड्यूटी में ही नहीं आता था तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करनी होगी ताकि जवाबदेह बनाया जा सके किसी भी एक को, क्योंकि जब आपने कुछ चीजों को रेगुलेट करना है तो सुपरवाइजरी करनी पड़ेगी। सुपरविजन के लिए आपको ये देखना होगा कि किसका क्या एरिया है, और उसके एरिया के तहत आने वाले सारे काम उसकी जिम्मेदारी पर है, तो ये उसकी ड्यूटी से निकल करके आता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, ये सारी चीजों को डिसाइड करने के लिए हमें सेगमेंटेशन ऑफ वर्क करना होता है, और जब हम वर्क का सेगमेंटेशन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स निकल के आते हैं। उन अरेंजमेंट्स को हम डिपार्टमेंट्स या ऑफिसेस के तौर पर जानते हैं, और इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टीट्यूशंस कहा गया है। दे आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ये अलग अलग वे में भारत में काम करती हैं। भारत में एक उदाहरण लिया गया है आपके सामने, एक बिल लिया गया है, और ये बिल किस फॉर्म में लिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व थे, इस वजह से इस बिल का केस लिया गया है। 27% रिजर्वेशन जो अदर बैकवर्ड क्लास को दिया गया था 1990 में अगस्त मंथ में, इसमें उसका जिक्र किया गया है। उस बिल को लेकर के कई सारे आस्पेक्ट आपको समझाने की कोशिश की गई है। चलिए हम इसे अपने वे में अप्रोच करने का काम करते हैं। मैं आपको ये बता देता हूं, जब देश आजाद हुआ था
उसके बाद क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये गिवन था कि हमें सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के कानून बनाए थे और एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन दिया जाता था। लेकिन 1950 में जब से संविधान लागू हुआ था तब से लेकर के 1970 तक 20 साल के दौरान ये देखा गया था कि एससी और एसटीज को छोड़ करके ऐसी बहुत सारी बैकवर्ड क्लासेस हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उन्हें भी हमें किसी न किसी वे में प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ताकि वो भी प्रमोट कर सकें और जो डेवलपमेंट हो रही है कंट्री लेवल पर उसका बेनिफिट वो डिराइव कर सकें। इसको लेकर के समय समय पर कमीशन बनाए गए थे जिन्हें बैकवर्ड क्लास कमीशन कहा गया था। ऐसे में एक सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था 1979 में, ठीक है 1979 में जनता पार्टी की सरकार होती थी भारत में, ठीक है जी। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, इंदिरा गांधी को पकड़ा और जेल में डाला गया। उसके बाद 1977 से लेकर के 1978-79 तक जनता पार्टी की सरकार आई 2 साल के लिए। ये जनता पार्टी की सरकार ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। बीपी मंडल की जिम्मेदारी लगाई गई कि आपको बहुत सारी चीजें देखनी है, इसमें से सबसे पहले आपको क्या देखना है, आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सके देश में कि कौन है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन। तो आइडेंटिफिकेशन का मेथड बताइए और बताने के बाद बहुत सारी रिकमेंडेशन आपको देनी है। उसमें से एक रिकमेंडेशन बीपी मंडल ने ये दी कि इन लोगों को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाए एससी एसटी के बाद, एससी एसटी में नहीं उनसे बाद। तो बीपी मंडल की ये सिफारिशें आई, एक बारी बीपी मंडल की जब ये सिफारिशें आ गई उसके बाद समय समय पर सरकारें आती रहीं। जैसे यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार गिरी, फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, फिर इंदिरा गांधी की सरकार के समय ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और इंदिरा गांधी जो है उनकी हत्या कर दी गई, असैसिनेशन। उसके बाद प्रचंड बहुमत वाली आपको पता है राजीव गांधी की सरकार 415 सीटों के साथ आई और फिर फाइनली 1989 में फिर से सरकारें आनी शुरू हुई और 1989 में एक सरकार उस टाइम पर आई, उस पार्टी का नाम था जनता दल। अब जनता दल के द्वारा उस समय जो भारत से वोट लेना था, वोट लेने के लिए क्या किया गया कि यह मैसेज दिया गया कि अगर हम एक बार सत्ता में आएंगे तो हम बीपी मंडल की जो बैकवर्ड क्लास कमीशन को बैकवर्ड क्लास को लेकर रिकमेंडेशंस थे वो रिजर्वेशन हम लागू करेंगे। इसको ये भी कहा गया उस समय मंडलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, माने इस समय में एक तरफ वीपी सिंह उस समय जनता दल की तरफ से मंडल कमीशन की सिफारिशों का झंडा झुला रहे थे वोटे लेने के लिए और इसी समय पूरे देश में लाल कृष्ण अडवाणी या रथ यात्रा निकाल रहे थे अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के वोट अपने साथ जोड़ने के लिए। और इस दौर की राजनीति को पूरे इन भारत में यह कह के बुलाया गया था कि ये मंडल कमंडल की राजनीति है, माने वो कमंडल लेके घूम रहे थे लाल कृष्ण अडवाणी, ये मंडल को लेके घूम रहे थे। तो मेंडलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स इसे ही कहा जाता है। इसके बेसिस से आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि मेंडलाइजेशन होने से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। अब मेंडलाइजेशन आप सोचो कौन सी थ्योरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है मंडल के नाम से। तो मंडल कमीशन की सिफारिशें वीपी सिंह ने बोला मैं लागू करूंगा, वीपी सिंह की जनता दल की सरकार बन गई, जनता दल की पार्टी जीत गई। अब मंडल कमीशन की सिफारिशें इन्होंने लागू कर दी और लागू करने के बाद क्या होता है, तो इसके बेसिस पे कुछ चीजें अब निकल करके आएंगी। एक मिनट स्टॉप करना। अब यहाँ पर देखिए बीपी मंडल जो है इनकी कमीशन इनकी सिफारिशें लागू कर दी गई हैं और सरकार बन चुकी है जनता दल की, वीपी सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब यहाँ से आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो एक चीज हमें ये समझ में आई कि उस समय 1979 में जनता पार्टी की सरकार थी और सरकार के निर्णय से एक कमीशन बनाया गया था, कमीशन का गठन हो गया था, मतलब कि ये डिसीजन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव लेवल पर लिया गया था। सेकेंड आस्पेक्ट अगर हम देखें तो दोबारा से जब सरकार बनी है जनता दल वालों की, तो जनता दल ने सरकार बनाने के बाद वीपी सिंह ने एक नोटिफिकेशन इशू करी है और उस नोटिफिकेशन के तहत ये मंडल कमीशन की सिफारिशें जो है इन्हें प्रभावी बनाया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है और उसके बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पर 3-4 इंस्टीट्यूशंस आपकी नजर में एक के बाद एक आएंगे। जब भी कोई नई सरकार बनती है, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए, जब भी कोई नई सरकार बनती है मतलब जब भी लोकसभा का नया चुनाव होता है और पहली लोकसभा की मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा, तो उसको एड्रेस करने के लिए आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उस मीटिंग को एड्रेस करने आते हैं। ठीक इसी तरह से हर साल जो पहला सेशन होता है, एवरी ईयर जो फर्स्ट सेशन होता है उसको भी एड्रेस करने आते हैं राष्ट्रपति। तो किसी भी लोकसभा के नए गठन पर और हर साल नए सेशन पर प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है और ये एड्रेस को हम बोल देते हैं बजट सेशन का एड्रेस। तो प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है ना वो सरकार की वाणी होती है, मतलब सरकार ने क्या पिछले साल में अचीव किया और सरकार क्या अगले साल के लिए टारगेट रखती है, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में झलकता है। राष्ट्रपति का जो भाषण होता है ना
और सरकार की लास्ट ईयर की अचीवमेंट्स और नेक्स्ट ईयर के क्या प्लान्स हैं वो उन्हीं को आकर के दर्शाते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से एग्जीक्यूटिव के एंड पे अगर पार्लियामेंट को कुछ कन्वे करना है तो वो तो एग्जीक्यूटिव का हेड ही करेगा ना, एक तरह से हेड ऑफ द स्टेट, वो तो राष्ट्रपति ही है ना, तो राष्ट्रपति बचाएंगे। तो राष्ट्रपति उस समय नई सरकार का गठन होता है तो पहली लोकसभा बैठती है, तो पहली लोकसभा को एड्रेस भी करना सारे एमपीओं को कि ओके वेरी गुड आ गए हो तुम। ऐसे में राष्ट्रपति मैसेज कन्वे करते हैं, एड्रेस करते हैं कि इस बार की सरकार बीपी मंडल की ये सिफारिशें लागू करने जा रही है। इस पर सारा सदन चर्चा करता है और चर्चा करने के बाद विचार करता है, वोटिंग होती है। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम एक चीज नोटिस करें तो एग्जीक्यूटिव यानी कि कौन से कैबिनेट ने ये डिसीजन ले लिया है, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि हम बीपी मंडल की सिफारिशें लागू करेंगे, लेकिन यह निर्णय पार्लियामेंट में भी एंटर हुआ है बाय द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के एड्रेस के अकॉर्डिंग। और प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है ना बच्चों, उस पे भी बाद में पार्लियामेंट में चर्चा होती है, प्रेसिडेंट के एड्रेस पे भी चर्चा होती है और उस पे भी वोटिंग होती है। आई बात समझ में? राष्ट्रपति के अभिभाषण पे भी मोशन ऑफ थैंक्स सुना होगा आपने, मोशन ऑफ थैंक्स चलता है, धन्यवाद मोशन। तो धन्यवाद मोशन पास होना जरूरी है, क्योंकि धन्यवाद मोशन पास होगा ना मेजोरिटी में तो सरकार है ही है, सरकार के एमपी तो वहां पर बैठे ही हुए हैं। तो कुल मिलाकर के पार्लियामेंट की भी आवाज ये थी कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को जल्दी लागू किया जाए। इस बेसिस पे हम यहाँ पर देखते हैं कि दो चीजें हुई, पहला तो ये पार्लियामेंट में लॉ ला करके नहीं किया गया है, ये कैबिनेट के डिसीजन से हो गया है, और ये किसके कहने पर हो गया है, प्रधानमंत्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही हो गया है और इसके अकॉर्डिंग नोटिस हो गया है। अब आप जब बुक में देखेंगे तो बुक में कि मैं देखने के बाद आपको एक चीज नजर आएगी, आपको लिखा होगा GI माने कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस या गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के बाद उसके बाद आपको मेमोरेंडम नंबर दिया होगा OM, उसके बाद उसके आगे एक नंबर डाला होगा और ये गवर्नमेंट ऑर्डर जो है ये इसके अकॉर्डिंग वो जो गजट ऑफ इंडिया जो बुक है उसमें दर्ज होकर आगे निकल जाएगा, गवर्नमेंट ऑर्डर बन के आगे निकल जाएगा। इस तरह के कई ऑर्डर रोज सरकार निकालती है और ये रोज के रोज ऑर्डरों में से ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये आरक्षण के ऊपर निर्भर करता था। अब कुल मिलाकर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट कार्रवाई हुई, पूरे देश में लोग दो तरह की बहस में उलझ गए। अब इस बहस पे जाना इस चैप्टर का काम नहीं है, आगे आने वाली क्लासेस में होगा। बहस ये छिड़ गई थी कि क्या हमें किसी भी तरह से प्रोवाइड करनी चाहिए रिजर्वेशन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन को। तो इसमें कुछ लोग तो ऐसे थे कि हाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए सेंट्रल सर्विसेज में और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जहां पे भी केंद्र सरकार का पैसा लगा होता है, हर जगह पर हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो सेंट्रल सर्विसेज में हमें रिजर्वेशन तो प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट पोस्ट पे, ये तो जरूरी भी बनता है, इसी तरह से इनका इंप्रूवमेंट होगा। एक वर्ग ऐसा था जो ये कहता था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे वो लोग जो रिजर्व नहीं है उनको इक्वालिटी की जो अपॉर्चुनिटी है वो डिप्राइव होगी और हम उनका हिस्सा खत्म कर देंगे। तो हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है और ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइडेड कंसेप्ट इक्वालिटी को एक हार्म करने का कदम है। अब आपके पास एक और इंस्टीट्यूशन है, अब जब लोग सरकार के उठाए कदम से खुश नहीं है तो फिर उनके पास कोई आउटलेट भी होना चाहिए जहां पर जाकर के वो अपनी डिससैटिस्फेक्शन को बता सकें। तो लोगों ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक ही केस को लेकर के मल्टीपल एप्लीकेशंस आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सारी एप्लीकेशंस को क्लब करके एक नाम से डील किया, इंदिरा सानी। इंदिरा सानी केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सानी यहाँ पे खुशबू वाला सरनेम है, SAWHNEY। अब इंदिरा सानी केस इंडिया में बहुत बड़ा है, आपको मैं आने वाले दिनों में 5 केस पढ़ाऊंगा, जैसे गोलकनाथ केस है, केशव नंदा भारती केस है, मिनर्वा मिल केस है और SR बोमाई केस है, मनिका गांधी केस है। तो ये 5 केस हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया है, गवर्नमेंट को गवर्नेंस में कन्वर्ट कर दिया है, ये आने वाले दिनों में आप पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हो गया है ना सरकार के अगेंस्ट, और ये क्या थी, रिट पटीशन थी। क्या थी? रिट पटीशन थी और रिट पटीशन कैटेगरी में इसे डाल दिया गया। अब इसके तहत जब केस शुरू हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ध्यान से सारी चीजों को सुना और लोगों के द्वारा जो ये चैलेंज किया गया था कि क्या ये प्रोविजन जो गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल की शिक्षाओं के अनुरूप है, तो सुप्रीम कोर्ट की उस समय की 11 जजेस की बेंच बैठी थी और उसने ये ऑब्जर्व किया कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है बात, ये जायज बनता है, उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन उसमें उन्होंने ये बोला कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में से जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ है उन्हें बाहर करके जो अदर बैकवर्ड बच रहे हैं उनको ही ये बेनिफिट दे। तो एक वर्ड जन्म ले गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, मतलब बैकवर्ड क्लासेस में से इकोनॉमिकली सुपीरियर को
एक्सक्लूड करके जो फिर अदर बच रहे हैं बैकवर्ड उनको ही ये बेनिफिट दिया जाए, बाकियों को नहीं। इस पे फिर चर्चा हो गई पार्लियामेंट में, और चर्चा होके सब सारी जनता सहमत हो गई, कहते बात बिल्कुल सही है, इनको तो फिर मिलना चाहिए क्योंकि क्रीमी लेयर को तो एक्सक्लूड कर लिया। तो फिर इस पे सामंजस्य बन गया, कंसेंसस बन गया, लोग शांत हो गए, और फिर फाइनली 1992-93 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कैबिनेट का एक फिर से नया ऑर्डर आया इसी तरह का, और उस ऑर्डर से देश में ये अदर बैकवर्ड क्लास की 27% की रिजर्वेशन की प्रणाली भारत में लागू हुई है। इसे बाद में जाकर के एजुकेशन की फील्ड में भी कर दिया गया, पहले तो जॉब्स था ना, फिर इसे एजुकेशन में भी एक्सटेंड कर दिया गया। कुल मिलाकर के हमने इस सारी डिबेट में बहुत स्ट्रांगली तीन चार चीजें नोटिस की हैं। उन तीन चार चीजों को अगर ध्यान से देखें तो मैंने आपके सामने ये देखा कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। दूसरा, मैंने आपके सामने एक बात जिक्र की कि प्रेसिडेंट नाम की एक संस्था है और उस प्रेसिडेंट ने एड्रेस दिया था। एड्रेस देने के बाद मैंने आपको ये बोला कि एड्रेस पार्लियामेंट में दिया गया था। मैंने आपको ये बोला कि जुडिशरी के पास कंप्लेंट की गई थी, और मैंने आपको ये भी बोला कि ये सारी चीजें करने के लिए, ये ऑर्डर लाने के लिए वायदा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर ने वायदा किया था। ये सारी चीजों में जब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर था, और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर के ऊपर जस्ट एक पर्सन के साइन थे, वो पर्सन था सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, यानी कि उस टाइम पर जो मेन मिनिस्ट्री हुआ करती थी, जैसे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री या ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री या रिक्रूटमेंट रिलेटेड मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें से जो एक डिपार्टमेंट हुआ करता था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। आज आपकी आईएएस की रिक्रूटमेंट भी इसी डिपार्टमेंट के थ्रू होगी, आप अपनी कंप्लेंट्स भी उन्हीं के पास लिखेंगे। उस डिपार्टमेंट में जो एक पर्सन सेक्रेटरी है, ये डिसीजन लागू उस सेक्रेटरी के नाम पे हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस सेक्रेटरी ने डिसीजन लागू किया अपने साइन करके, उसके नाम पे लागू हुआ है, जबकि उसका इस डिसीजन को बनाने से कोई लेना देना नहीं था, डिसीजन कहीं से पीछे से बन करके आया था, सिंपली उसने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट। डिसीजन कहां से बन के आया था, कैबिनेट से। डिसीजन सिंपली कैबिनेट से बन के नहीं आया था, कैबिनेट ने एस्पिरेशंस को ही कन्वर्ट किया, किसकी, पार्लियामेंट की। तो कैबिनेट ने किसके डिसीजन को एग्जीक्यूट किया, पार्लियामेंट के, तो अल्टीमेट कैबिनेट क्या हो गई, एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये सारे किसी ना किसी की सोच का एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब तो ये एक इंस्टीट्यूशन ही हुई ना, संस्थानिक तौर पे काम हो रहा है ना, कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन हैं, इनको स्टडी करते हुए आज कॉन्स्टिट्यूशन को और डीपली समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का ताना बाना कैसे काम करता है। सबसे पहले सबसे स्वीट चीज पकड़ेंगे, जो सबसे फेवरेट रहती है सबकी, बहुत ही हिट समझते हैं, फिर पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर से आप पार्लियामेंट समझ जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर, अगर हम देखें हमारी कंट्री में एक इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अ प्राइम मिनिस्टर इज अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, इज नॉट अ पर्सन, आप उसे ही ना कहें, शी ना कहें, आप उसे इट से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है। संस्थानिक तौर पर ये कैसे काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन का कोई प्रोसीजर गिवन नहीं है, नॉट एट ऑल, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के कोई इलेक्शन नहीं होते। इसके बिल्कुल उल्ट अगर आप अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन से चुना जाता है ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर चुनने का कोई इलेक्शन नहीं है, हमारे देश में सिर्फ एमपी होते हैं, और उन एमपीओ के चुनने के बाद जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिली होती है लोकसभा में, वो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है उसे राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है, लेकिन देयर इज नो इलेक्शन फॉर द प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये पहली बात समझ में आई। अब ऐसे एमसीक्यूज आपको फंसाएंगे पेपर में, एक तरफ आपने पढ़ा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऐसे ऐसे बनता है, अब दूसरी तरफ कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन गिवन नहीं है, तो हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन का, प्राइम मिनिस्टर का कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज सुप्रीम अमंगस्ट द इक्वल्स, वो भी एक एमपी ही है नॉर्मल। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है जैसा अमेरिका में होता है। अब ये सेकंड शॉकिंग बात, हमें तो यही अज्यूम होता है ना, ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आप गलतियां करोगे, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए, प्राइम मिनिस्टर 5 मिनट के लिए भी हो सकता है, वो तब तक प्राइम मिनिस्टर है जब तक वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, मेजोरिटी पार्टी ने अपना लीडर बदल दिया तो प्राइम मिनिस्टर भी तो बदल गया, लीडर तो महीने बाद भी बदल सकता है, किसने गारंटी किया कि वो 5 साल तक रहेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति 4 साल तक रहेगा, उसका टेन्योर क्या होता है, फिक्स। इन इंडिया देयर इज नो फिक्स टेन्योर फॉर द प्राइम मिनिस्टर,
बट इन अमेरिका देर इज अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 ईयर फॉर द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट। ये दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह से डिपेंडेंट है पार्लियामेंट के ऊपर, यानी कि अगर पार्लियामेंट में उसकी पार्टी मेजोरिटी में रहती है या वो जिस अलायंस से बिलोंग करता है वो अलायंस मेजोरिटी में रहता है तभी तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति के इंडिपेंडेंट चुनाव हुए हैं, और जो बंदा इंडिपेंडेंट चुनाव होकर के आया उसका अपना इंडिपेंडेंट टेन्योर है। अब मान लीजिए इस समय, मान लीजिए कोई रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति है वहां पर, और 2000 मान लीजिए 2018 में एक रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट ए सेलेक्ट हुआ है, और 2020 में वहां की पार्लियामेंट यानी कि वहां की कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी का टेन्योर खत्म हो गया, चुनाव हुए और सत्ता में कौन आ गए, डेमोक्रेटिक्स। लेकिन 2018 से 2022 तक प्रेसिडेंट जो है वो वही रहेगा, ए पर्सन, यानी कि वहां की पार्लियामेंट में, अमेरिका की पार्लियामेंट या कांग्रेस में पार्टी कौन सी है रूल में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो प्रेसिडेंट जितने टेन्योर के लिए आया है वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो वो उस टेन्योर में रहेगा। ये बात समझ में आई? आई बात समझ में? भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप तभी तक प्रधानमंत्री हैं जब तक आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसको लोकसभा में मेजोरिटी सीट्स हैं। ये तीन बातें क्लियर। चौथी और इंपॉर्टेंट बात, भारत का प्रधानमंत्री एग्जीक्यूट करता है पार्लियामेंट की ही बनाई चीजों को, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति पूर्णतः इंडिपेंडेंट है, वो वहां की कांग्रेस के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, वीटो कर सकता है, उसको वीटो की पावर है क्योंकि वो सर्विस इंडिपेंडेंट है। और दूसरी बात, वो और उसकी चुने हुए सेक्रेटरीज यानी कि उसके मंत्री वो वहां की पार्लियामेंट से इंडिपेंडेंट होके काम करते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट नाम के ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में इतनी स्ट्रांग है, इसलिए निर्णय विद इन अ सेकंड लिए जाते हैं वहां पर। इंडिया में ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते, वो इसलिए अमेरिका में घुस, वो इसलिए पाकिस्तान में घुस जाते हैं, अफगानिस्तान में घुस जाते हैं। भारत में ऐसा नरेंद्र मोदी या कोई करेगा तो पार्लियामेंट में खींच लिया जाएगा। आई बात ये समझ में? तो कुल मिलाकर के इस तरह से हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्लियामेंट से स्ट्रांगली अटैच है, और इस तरह से उनके प्रेसिडेंट उनकी कांग्रेस से इतने डिटैच हैं। इसलिए अगर आप हमारे देश में ध्यान से देखें तो पार्लियामेंट ही एक सुप्रीम बॉडी है जो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पे भी कंट्रोल होल्ड कर रही है। इसलिए इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? इसी को अब एक लेवल आगे जाकर के समझने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एज सच प्राइम मिनिस्टर की पावर का कोई बहुत बड़ा जिक्र नहीं किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ही स्ट्रांग पावर्स होती हैं और इनएग्जॉस्टिव पावर्स होती हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वही हेड है कैबिनेट का, प्राइम मिनिस्टर ही हेड है कैबिनेट का, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट देश में कैबिनेट के डिसीजंस होंगे वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से ही होंगे। पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइम मिनिस्टर ही जिम्मेदार है सभी मंत्रियों के सिलेक्शन के लिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की विश से ही बाकी के मंत्री चुने जाएंगे। तीसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और फिर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एकजुटता बनाए रखने में, यानी कि एक जैसा काम हो। प्राइम मिनिस्टर ही इंपॉर्टेंट है कंसेंसस रीच कराने में। अगर कैबिनेट की मीटिंग में या मिनिस्ट्रीज में कंसेंसस नहीं बन रहा, सामंजस्य नहीं बन रहा, ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो कंसेंसस बनाए। इन सारी चीजों को देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। व्हाई? क्योंकि अब यहाँ पे बार बार जिक्र आ रहा है एक बॉडी का, दैट इज अ कैबिनेट। तो अब कैबिनेट को समझते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे देश में एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव को हम क्या कह सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में मैं पहले काफी बार बता चुका हूँ। इसमें हम देखें तो ऑलमोस्ट 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर होती है। जैसे सबसे ऊपर हम देखें तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, इसके बाद हम देखें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इसके बाद हम देखें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड देन डिप्टी मिनिस्टर। ये मिनिस्टर्स की एक कैटेगरी होती है जो इसके अंदर होती है, और कुल मिलाकर के हर मिनिस्टर अपना अपना काम करता है। अब कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो सबसे सुप्रीम मिनिस्टर होता है, ये सबसे सुपीरियर होता है, सुप्रीम मिनिस्टर होता है। इन सुप्रीम मिनिस्टर्स के ऊपर जो सुप्रीम लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर है। कैबिनेट की मीटिंग में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि कुछ मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट मिनिस्टर का रुतबा नहीं, उनसे जूनियर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया होता है। तो इन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को भी कई बार जरूरत पड़ने पर कैबिनेट की मीटिंग में बुला लिया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखें जरूरत पड़ने पर। इसके बाद होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का काम होता है
कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प करना, उन्हें सपोर्ट करना। इसके बाद होते हैं डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मिनिस्टर्स, इनका काम होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट करना। तो कुल मिलाकर के अगर हमारे सामने कोई एक मिनिस्ट्री ए है, यानी कि इसको हम डिफेंस मिनिस्ट्री कह लें, अगर हमारे सामने डिफेंस मिनिस्ट्री है तो उस डिफेंस मिनिस्ट्री नाम की मंत्रालय में हमें कैबिनेट मिनिस्टर मिलेगा, हमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिलेगा और हमें डिप्टी मिनिस्टर मिलेगा। और हमारे सामने अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है तो हो सकता है उसमें हमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाए, हमें उसकी सहायता करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिल जाए और डिप्टी मिनिस्टर मिल जाए। ये बात क्लियर हुई? या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के बाद सीधा डिप्टी मिनिस्टर मिल जाए, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बनाते हैं। अब इतना समय और इतनी नेसेसिटी भी नहीं होती है और आप पैरालाइज भी नहीं कर सकते हैं पूरी कंट्री को, तो हर मंत्री हर तरह की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता। पॉलिसी मेकिंग के लिए हर मिनिस्ट्री का इम्पोर्टेंट मिनिस्टर ही शामिल होना जरूरी है। तो हर मिनिस्ट्री से सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं और वो बॉडी का नाम होता है कैबिनेट। तो देश के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्डर इश्यू करने का काम करते हैं एग्जीक्यूटिव, सरकारी फरमान, वो कैबिनेट ही करते हैं। और अदर बैकवर्ड क्लास को 27% का जो रिजर्वेशन दिया गया वो कैबिनेट ऑर्डर से ही दिया गया था। इस कैबिनेट में ऑलमोस्ट आप देखें तो 20 मिनिस्टर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठ करके मीटिंग करते हैं। इस टाइम पे इस मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये हेड होते हैं। मतलब हमने देखा देश के लेवल पर एक बॉडी है जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 60 से 80 मंत्री होते हैं। इन 60 से 80 मंत्रियों में से हर एक मिनिस्ट्री का डिफरेंट डिफरेंट एक एक सुप्रीम मंत्री होता है, जिसे कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर बैठ के जो मीटिंग करते हैं उसे कैबिनेट की मीटिंग कहते हैं। अल्टीमेटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पर कैबिनेट ही काम कर रही है और कैबिनेट जो डिसीजंस ले रही है वही देश के लेवल पर लागू हो रहे हैं। और कैबिनेट में जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, जाहिर सी बात है कि इनमें कंफ्लिक्ट होगा। मिनिस्टर ए है, मिनिस्टर बी, सी, डी, ई, इन सभी में कई चीजों को लेकर भेद होंगे, कंफ्लिक्ट होंगे, सभी के बीच में चर्चाओं का दौर लंबा चलेगा, डिस्कशंस होंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेंसस रीच करने की कोशिश की जाएगी। अगर इनमें कभी कंसेंसस ना भी रीच हो तो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कंसेंसस रीच हो। फाइनली जो डिसीजन इस कैबिनेट से बाहर आता है वो डिसीजन को हर कोई ओन करता है, एवरी वन ओन द डिसीजन। क्या कहने का मतलब है मेरा कि मान लीजिए अगर कोई निर्णय ऐसा आता है, सपोज कीजिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस से रिलेटेड कोई प्रोविजन लेकर के आई, कोई रेजोल्यूशन लेकर के आई, कैबिनेट ने उसमें मोहर लगा दी, अब हम उसको पेश करेंगे पार्लियामेंट के अंदर कि वो लॉ बन जाए। अब वो पार्लियामेंट के अंदर पेश हो गया है तो वो गवर्नमेंट बिल है। अब गवर्नमेंट बिल के तौर पर वो पेश हो गया और पार्लियामेंट में वो पास नहीं हो पाया, तो पार्लियामेंट में अगर पास नहीं हो पाएगा तो चूंकि देश के मंत्री के द्वारा बिल लाया गया था और पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है, तो कुल मिलाकर ये माना जाएगा कि वो पार्लियामेंट जो है उसका कॉन्फिडेंस नहीं है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को विद प्राइम मिनिस्टर क्विट करना होगा। ऐसे में उस कैबिनेट के बाकी 19 मंत्री ये नहीं कह सकते कि ये हमारा लाया बिल नहीं था, डिफेंस मिनिस्टर की गलती है, अब इसको हटाओ हम नहीं जाएंगे। कैबिनेट के बारे में ये कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में ये कहते हैं कि दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, एक साथ ही तैरते हैं एक साथ ही डूबते हैं। तो ये टीम की तरह काम करते हैं और एक भी निर्णय जो कैबिनेट से बाहर आया उसे सभी ओन करते हैं। ये बात समझ आई? सभी जिम्मेदारी लेते हैं अकेले उसके, ऐसा नहीं कह सकते फाइनेंस मिनिस्टर ने कांड कर दिया। इससे क्या तय हुआ दूसरा कि कैबिनेट के अंदर आपके चाहे जितने भी कंफ्लिक्ट रहे हो मीटिंग के दौरान, मीटिंग के बाहर आकर के आपको अलाउड ही नहीं है कि आप क्रिटिसाइज करें दूसरे डिपार्टमेंट और दूसरे मंत्रालय को। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव के विरोधी हैं, आप मंत्री पद पे नहीं बने रहेंगे, आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, ऐसा किया जाता है। तो कुल मिलाकर के कैबिनेट जो है उसके हेड है पीएम, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे काम कर रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एक तरह की एग्जीक्यूटिव और सरकार है, और वो सरकार जो है उसके हेड हमने पीएम बता रखा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो पूरे देश के स्तर पर असली में नीतियां वहीं लागू होंगी जो कैबिनेट ले रही है। इस वजह से हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब चूंकि कैबिनेट का हेड प्राइम मिनिस्टर है और सभी मंत्री उसकी मर्जी से बन रहे हैं, और सभी मंत्री तभी तक पावर में रहेंगे जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर उनकी पावर्स को चेंज भी कर सकते, प्राइम मिनिस्टर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेंज भी कर सकते हैं, मंत्रालय बदल बदल भी सकते हैं, और सभी मंत्री और प्रधानमंत्री तभी तक सत्ता में रहेंगे जब तक पार्लियामेंट की लोकसभा में उनको कॉन्फिडेंस है, यानी कि लोकसभा का उन पर कॉन्फिडेंस है। तो अब प्राइम मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो इंडिया की डेमोक्रेसी को, इंडिया की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को
हम प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह देते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब चूंकि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, इंडिया ने ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स से कहीं ना कहीं समझी, ऑब्जर्व की, अंडरस्टैंड की। और ब्रिटेन में जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो वहां की एक जगह है वेस्टमिंस्टर, वहां पे बनी हुई है। और इसलिए हम इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग मैंने नाम बता दिया, अब आप टेंशन तो नहीं लेंगे। हमने अभी तक दो तीन इंस्टीट्यूशंस को चर्चा किया। यहाँ पर हमने प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया, हमने कैबिनेट का जिक्र किया, हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र किया। हम बार 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 देख रहे हैं कि इनका ओरिजिन कहीं से हुआ है और ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं जस्ट उन चीजों को जो चीजें कहीं से कंक्लूड होकर आ रही है। तो एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर पार्लियामेंट भी आता है। अब हम पार्लियामेंट का जिक्र करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट के बारे में भारत में क्या कहा जाता है कि ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है और लॉ बनाने से रिलेटेड इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि आप पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका काम ही लेजिस्लेट करना है। और हमारे देश की जो नेशनल असेंबली है, हमारे देश में स्टेट असेंबलीज भी होती है ना, तो हमारे देश की जो नेशनल असेंबली है उसे क्या कहा गया है, पार्लियामेंट। और आप उसको लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं। इसी तरह से स्टेट लेवल पर भी है, उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर कहा गया, यानी कि विधानसभा कहा गया है। तो स्टेट असेंबलीज है, नेशनल असेंबली है, स्टेट असेंबलीज विधानसभा, नेशनल असेंबली पार्लियामेंट, माने कि संसद, माने कि आप उसे लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो पार्लियामेंट होती है इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, राज्यसभा एंड लोकसभा। अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है जब आप ओल्ड नेम्स को प्रेफर करते हैं। पहले समय में क्या हुआ करता था कि राज्यसभा जो होती थी इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। जैसे इसे अपर चैम्बर भी कहते थे, लोकसभा को लोअर चैम्बर कहते थे, राज्यसभा को अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस। दूसरा, राज्यसभा को हाउस ऑफ द एल्डर्स भी कहते थे, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स भी कहते थे, और जो लोकसभा है इसे हाउस ऑफ द कॉमन्स कहते थे। तो हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, हाउस ऑफ द एल्डर्स, अपर चैम्बर, इससे कंसेप्ट ऐसा डेवलप होता है कि शायद राज्यसभा ज्यादा स्ट्रांग है, लोकसभा नहीं है। इसका टोटली विपरीत है। एक गुड डेमोक्रेसी में अगर आप जो जनता के द्वारा सीधे चुन करके लोग आ रहे हैं उन रिप्रेजेंटेटिव्स को ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे तो डेमोक्रेसी ज्यादा स्ट्रांग होगी। आज की डेट में देखें तो ऑलमोस्ट सभी मुद्दों पर काम करने का जिम्मेदारी लोकसभा के ऊपर है। राज्यसभा भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा जहां सीधे सीधे लोगों को रिप्रेजेंट करती है, राज्यसभा राज्यों को, फेडरल यूनिट्स को, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का काम करती है इन कंसोलिडेशन, यानी कि कंसोलिडिटी के फॉर्म में। तो अगर ध्यान से देखें तो लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस क्या पाए जाते हैं, कुछ फर्क यहां पर नजर आते हैं। सबसे पहले तो देश में गवर्नमेंट उसी पार्टी की बनती है, गवर्नमेंट उसी पार्टी की बनती है जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है। कहां पर? जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है लोकसभा, नॉट इन द पार्लियामेंट, इन द लोकसभा। तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी मिली है गवर्नमेंट वो बनाएंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर हम लोकसभा और राज्यसभा को कंपेयर करने की कोशिश करें तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बिल हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया और पास किया जा सकता है। जैसे किसी भी तरह से मनी से रिलेटेड बिल है, कोई भी मनी रिलेटेड बिल है, मनी बिल, इसके अंदर ही बजट आ जाता है। लेमैन लैंग्वेज में कहें तो बजट है। बजट के अलावा कोई भी फाइनेंस और मनी रिलेटेड बिल है, फाइनेंस और मनी रिलेटेड कोई भी बिल है या बजट है, इसे लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है। इसे लोकसभा की ही मंजूरी चाहिए। लोकसभा में एक बार पास होने के बाद ये जब राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा इसे मैक्सिमम 14 डेज तक डिले कर सकती है, यानी कि 14 डेज तक होल्ड कर सकती है। अगर तो 14 डेज या 14 डेज से पहले वो लोकसभा को वो बिल एज इट इज वापस कर देती है तो लोकसभा उसे पास कर देगी। अगर राज्यसभा में उसमें कुछ परिवर्तन किए हैं, लोकसभा उसे माने या ना माने ये लोकसभा पे डिपेंड करता है। लोकसभा उस पर चर्चा कर सकती है, मानने योग्य हुआ माने, नहीं मानने योग्य हुआ नहीं माने, और वो उसे ऐसे ही पास कर देगी। कुल मिलाकर के इस मामले में अगर आप देखें तो लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा स्ट्रांग होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा से ही आपको प्रधानमंत्री मिलते हैं। जिस भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी मिली है उसी पार्टी के कैंडिडेट को राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बनाना होता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी लोकसभा में होनी चाहिए। कुल मिलाकर के इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात देखें तो राज्यसभा भी कुछ मामलों में इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी भी तरह की कोई इंडियन सिविल सर्विस, यानी कोई नेशनल सर्विस नहीं इंड्यूस करानी होगी, इसमें प्रपोजल लाने का काम सिर्फ राज्यसभा में हो सकता है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म करती है ना कोई भी नई सर्विस। नेशनल लेवल सर्विस है तो सेंटर स्टेट दोनों को इंपैक्ट करेगी, तो इसके लिए प्रपोजल राज्यसभा में आएगा। जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रपोजल राज्यसभा में आया था। कुल मिलाकर के लोकसभा राज्यसभा को ऐसे बांटा गया है। इसमें कुछ चीजें और हैं। लोकसभा हर 5 साल पे डिसॉल्व हो जाती है,
क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती इसलिए इसे परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा परमानेंट है, कभी डिसॉल्व नहीं होती है, ऐसा होता है ना। आप ध्यान से जरा नोटिस करिए कि लोकसभा तो हर 5-5 ईयर पे डिसॉल्व होती है क्योंकि इलेक्शंस होते हैं, 5-5 साल पे लोग वोट डालते हैं, लेकिन पूर्णतः कभी भी पूरे तौर पे राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। उसके हर 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। ऐसे में हर साल में इतनी का राज्यसभा पूरी कंप्लीट फॉर्म में रहती ही रहती है जितनी वो है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ के वाइज देखें तो लोकसभा को स्ट्रेंथ दिया हुआ राज्यसभा के कंपैरिजन में। एक एंड पे देखें तो राज्यसभा कभी स्थगित नहीं होती, कभी डिसॉल्व नहीं होती, परमानेंट हाउस है। लोकसभा जो है वो एवरी 5 ईयर पे डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर हम नंबरिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लोकसभा को 543 सीट्स हैं, राज्यसभा के पास जस्ट 245 सीट्स हैं, सॉरी लोकसभा के पास 545 सीट्स हैं और राज्यसभा के पास 245 सीट्स हैं। ऐसे में हम अगर कंपेयर करें तो राज्यसभा और लोकसभा में कोई मुद्दा फंस गया है, मान लीजिए लोकसभा में पास हुआ राज्यसभा में चला गया और राज्यसभा में जाने के बाद वो मुद्दा फंस गया, पहली कंडीशन। दूसरा, राज्यसभा वालों ने रेजोल्यूशन पेश किया, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में जाके फंस गया, लोकसभा वाले ऐसा नहीं करना चाहते, इन दोनों केसेस में चलेगी लोकसभा की ही, क्योंकि फिर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और ज्वाइंट सेशन बुलाने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा दोनों हाउसेस का तो टोटल स्ट्रेंथ हो गई 790 और जो बिल है वो सिंपल मेजोरिटी से पास करना है, तो 790 की सिंपल मेजोरिटी कितनी हो जाएगी? और अगर उसको हम काउंट करें तो राज्यसभा वाले तो बड़े कम पड़ जाएंगे, लोकसभा वाले बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे। तो ज्वाइंट सेशन अक्सर बुलाया जाता है उन बिलों के ऊपर जो बिल लिटरली फंसे होते हैं, निकल ही नहीं रहे होते, क्योंकि लोकसभा को पता होता है कि अगर अभी हमने ज्वाइंट सेशन बुला लिया बिल हमारे फेवर में पास होना है क्योंकि हमारे मेंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। ऐसे में राज्यसभा हमेशा चीके मारती है कि ज्वाइंट सेशन मत बुलाना क्योंकि वो डिसएडवांटेज में रहती है। तो ये ज्वाइंट सेशन की कहानी है, एग्जीक्यूटिव गठन करने को लेकर के, प्राइम मिनिस्टर की फॉर्मेशन को लेकर के, बजट को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के लोकसभा काफी स्ट्रेंथन नजर आती है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। राज्यसभा भी चेक का काम करती है, चेक रखने का काम करती है। दोनों के इलेक्शन के प्रोसीजर का तरीका अलग है। अगर आप लोकसभा की बात करें तो जनता सीधे वोट डालती है इसलिए इसका नाम है लोकसभा, ये आम चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन से इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप राज्यसभा की बात करें तो इसमें स्किल्स को ऑब्जर्व किया जाता है, इसमें स्टेट की ऑल इन ऑल ऑब्जर्वेशन एस्पिरेशन को सर्व करने की कोशिश है, इसलिए इसके इलेक्शंस डायरेक्ट नहीं होते। आप अपने अपने स्टेट असेंबलीज विधानसभाओं के कैंडिडेट्स को चुनते हैं, एमएलएज को, फर्दर वो इलेक्टेड एमएलएज एक इलेक्टोरल कॉलेज बना करके आपके स्टेट में फॉल करने वाली जितनी भी राज्यसभा की सीटें हैं उन राज्यसभा के कैंडिडेट को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत सिलेक्ट करने का काम करते हैं। ऐसे में एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि उस स्टेट के लोगों को कोई डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन सिस्टम या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत जो भी जीत के आएगा वो मेजोरिटी से ही जीत के आएगा, मतलब वो सभी के एस्पिरेशन को सर्व कर रहा है, इसलिए वहां पर मेजोरिटी इलेक्शन का प्रोसीजर रखा गया है और उसके तहत चुन करके वो राज्यसभा में आएगा, जिसे काउंसिल ऑफ द स्टेट्स भी कहते हैं। ठीक है, से लोकसभा और राज्यसभा का सिस्टम है। इस लोकसभा और राज्यसभा में अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लेजिस्लेशन। तो सपोज कीजिए कोई बिल पेश हुआ है लोकसभा के भीतर, लोकसभा में पास होने के बाद वो बिल पहुंच जाता है राज्यसभा के पास और राज्यसभा के पास बाद पास होने के बाद वो बिल पहुंच जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट की एक खासियत है यहाँ पर, ये जो प्रेसिडेंट नाम की बॉडी इंस्टीट्यूशन है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही मेंबर नहीं होता किसी भी कीमत में। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा दोनों के ही मेंबर नहीं होते, फिर भी ये पार्लियामेंट के कनेक्टेड ऑफिसर हैं, पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं और इनका असेंट लेना जरूरी है, किसी भी कीमत पर इनकी सहमति होनी जरूरी है, तभी देश का कोई भी बिल लॉ बनेगा। और अगर इनके बारे में अभी आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ताकतें मिली हैं, लेकिन चीजें उसके विपरीत हैं। तो यहाँ पर दो चीजें अब हमें समझ में आई हैं कि अल्टीमेट एस्पेक्ट तो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही ऑलमोस्ट बिल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ एक्सक्लूसिव केसेस को अगर छोड़ दें। बिल जो है वो ऑलमोस्ट मेजोरिटी से बनाया जाता है और मेजोरिटी से बिल बनाने के क्रम में अगर देखें तो सरकार का इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि देश के लिए काम करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो मोस्ट ऑफ द बिल जो लोकसभा राज्यसभा में पास होते हैं वो कौन से बिल हैं? गवर्नमेंट बिल हैं, क्योंकि सरकार नीतियां लाना चाहती है तो सरकार नीतियां लाएंगी, तो उसके लिए सरकार को ही रेजोल्यूशंस लेकर के आने, और रेजोल्यूशन आएंगे तो बिल बनेंगे, बिल लॉ में कन्वर्ट होंगे और लॉ बनेगा तो सरकार उस लॉ को एग्जीक्यूट करेगी, अल्टीमेटली तभी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस नजर आएगी लोगों को। तो मोस्ट ऑफ द बिल तो सरकार लेकर के आती है और बिल पास होने यहाँ पर मेजोरिटी से, और सरकार को मेजोरिटी तो है ही है ना, क्योंकि सरकार मेजोरिटी में, दो पार्टी मेजोरिटी में है तभी तो उसे सरकार बनाने का ऑफर मिला। तो अब यहाँ पर एक चीज देखनी होगी कि लोकसभा राज्यसभा में बना, पार्लियामेंट में बना ये बिल जो लॉ बन गया उसे तभी तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स और कैबिनेट या फिर प्रधानमंत्री, जब तक उनकी लोग अंदर मेजोरिटी में हैं, यानी कि जब तक काउंसिल ऑफ स्टेट को पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस मिला हुआ है
तभी तक काउंसिल ऑफ स्टेट भी एग्जिस्ट करेंगे। अगर उन्हें पार्लियामेंट का नहीं मिलेगा कॉन्फिडेंस तो वो किसी भी वे में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो डिप कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन समझना जरूरी है कि काउंसिल ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब काउंसिल ऑफ स्टेट जब हमने यहाँ पर लोकसभा पढ़ लिया, राज्यसभा पढ़ लिया और राष्ट्रपति पढ़ लिया, तो अब ऑल इन ऑल इसको अगर पार्लियामेंट की फॉर्म में ऑब्जर्व करें तो पार्लियामेंट की फॉर्म नाम की इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारियां क्या हैं? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट नाम का इंस्टीट्यूशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम तो यह है, यह गवर्नमेंट को रेगुलेट करने का काम करता है। आपने अभी अभी नोटिस किया कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को रेगुलेट कौन कर रहा था? पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट में सबसे पहली बात तो कैसे रेगुलेट किया, तो पहले तो लॉ ही पार्लियामेंट में बनेगा और लॉ पार्लियामेंट में बनेगा, गवर्नमेंट का काम सिर्फ उसे एग्जीक्यूट करना है। दूसरा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट ही तब तक करेगा अगर उसे लोकसभा में मेजोरिटी अचीव है। यानी कि अगर लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो वो काउंसिल ऑफ स्टेट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो जितना भी देश का धन होता है, जो भी देश का पैसा होता है, वो सारे धन के ऊपर एक एक पाई एक एक चौनी के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? देश की संसद का, पार्लियामेंट का। यानी कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन दोनों में से कोई पैसा निकालना है तो आपको किसकी अनुमति लेनी होगी? संसद की। सरकार ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी सत्ता पे बैठ गया और लगे बटुए से पैसा निकाल निकाल के उड़ाने की इस बार कितना कर